नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे आर्थिक तंगी दूर करने के कुछ उपायों की। देखिए, आज के इस युग में जीवन जीना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि व्यक्ति की ज़रूरतें बढ़ी, उन्हें पूरा करने के लिए आर्थिक सुदृढ़ता चाहिए। कभी कभी इन ज़रूरतों को पूरा करने में व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, वह आर्थिक तंगी का भी शिकार हो जाता है। धन के बिना इस युग में अच्छे से गुजर बसर कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे तो हर व्यक्ति को बहुत सोच समझ कर बुद्धिमानी के साथ खर्च करना चाहिए इस कठिन युग में, ताकि पैसों की तंगी का उसे सामना न करना पड़े। फिर भी कई बार प्रयास करने से भी व्यक्ति आर्थिक तंगी का शिकार हो ही जाता है, और जब ऐसा हो जाए तो फिर ज्योतिष में कुछ उपाय बतलाए गए हैं। मैं आज के इस वीडियो में उनको बतलाऊंगा। इन उपायों को करने से बहुत संभावना बन जाती है कि आपकी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो आज के इस वीडियो में हम उन कुछ उपायों की बात करेंगे। देखिए, पहला उपाय ये है कि मंगलवार के दिन आटे में गुड़ मिलाकर यानी मीठे पुए बना लें और उन्हें श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाएं और वहीं बैठकर विधिवत श्री सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें। ऐसा आप 11 या 21 मंगलवार करें। श्री हनुमान जी से मन ही मन आर्थिक तंगी दूर करने के लिए भी प्रार्थना करें। ये आप उपाय शुरू करेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद आपकी आर्थिक तंगी दूर होने लगेगी। एक उपाय है कि शुक्रवार को स्फटिक का श्री यंत्र लाकर लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पे कमल गट्टे की माला के ऊपर उस श्री यंत्र को स्थापित कर दें, और उसके बाद फिर रोजाना 11 माला, स्फटिक की माला हो या फिर कमल गट्टे की, तो 11 माला आपको श्री लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करना है। इसके साथ ही साथ 21 शुक्रवार 5 छोटी कन्याओं को खीर और पेड़ा भी खिलाना शुरू कर दें। ये बहुत ही मित्रों अचूक उपाय है और आपकी आर्थिक परेशानी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। इसके अलावा भी हम बात करेंगे, जैसे घर में आपके अगर पूर्व दिशा का घर है और उत्तर दिशा का घर है तो बहुत अच्छी बात है। तो घर में सूर्य देव के साथ 7 घोड़ों की तस्वीर आप पूर्वी दिशा में लगाएं। तांबे की सूर्य प्रतिमा, जो कि 9 इंच से ज़्यादा बड़ी ना हो, इसे अपने कार्य क्षेत्र में रखें। इससे क्या होगा कि उन्नति के अवसर मिलेंगे, आपकी आय बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। और अंत में एक वास्तु का उपाय बतलाकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए, अपने घर में उत्तर या ईशान में एक एक्वेरियम यानी मछली घर स्थापित करें। ध्यान ये रखना है कि मछलियों को चारा आप स्वयं खिलाएं। यदि एक्वेरियम रखना मुमकिन ना हो, मुश्किल आ रही हो, तो कम से कम आप एक छोटा घड़ा मिट्टी का रखें और उसे जल से भर दें और उसमें एक चांदी या तांबे का सिक्का भी डाल दें। ध्यान रखना यह है कि वह जल रोजाना बदलते रहना है। पुराने जल को किसी क्यारी में डाल दिया करें या फिर किसी गमले में। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगेगी, आर्थिक मजबूती प्राप्त होने लगेगी। तो मित्रों, यहीं वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सियाराम। नमस्कार।